हेलो दोस्तों, तो आज आपको घन और घनाभ देखना है, जो रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब घन किसे बोलेंगे, घनाभ किसे बोलेंगे, पहले तो इस बात को समझना है। जैसे आप लीडो की एक गुट्टी देखे होंगे, खुड़खुड़, वो जिसके मतलब छह सतह। पहले तो ये जान लो कि घन में कितने सतह छह होते हैं। ये आपका सतह है, एक दो, इस साइड तीन और नीचे चार, ये आगे का पांच और पीछे का छह। तो छह सतह से बनी आकृति को ही क्या बोलेंगे, घन या घनाभ बोलेंगे। लेकिन अंतर क्या है, जो घन होता है छह वर्ग का, वर्ग का मतलब इसमें इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, छह सतह आपस में बराबर होते हैं। जो छह सतह होते हैं घन में बराबर होते हैं, जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता है। मान चलो जो आपका घन है ये छह वर्ग मिलाकर बना है, और जो घनाभ है छह आयत मिलाकर बना है। ऐसे समझ जाओ, ईंट आपका घनाभ है और जो ये घुमाने वाला कलर मिलाने वाला देखे होगे गेम, कोई बच्चा खेलता होगा, तो वो आपका क्या है, घन है। चलिए ऐसे देख लेते हैं, मैं बना दे रहा हूँ, एक नया पेज लेता हूँ। ये आपका क्या है, घन हो गया, ये आपका घन हो गया। लेकिन घनाभ कुछ ऐसा होगा, ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। पुनः देख लीजिए, जिसके छह सतह आपस में बराबर हो उसे क्या बोल देगे, घन बोल दोगे, और ये आपका घनाभ हो जाएगा। तो ये घन और ये क्या, घनाभ। यहाँ तक कंफर्म। अब इसके छह सतह होंगे कितने, ये ऊपर का एक, चलिए कलर दूसरा ले लेते हैं, ये ऊपर का एक, एक नीचे का, और एक राइट एक लेफ्ट, और एक बैक बैक और एक फ्रंट। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, छह हो गए। इसमें भी छह होंगे, एक यहाँ दो, नीचे तीन, इस साइड चार, इस साइड पांच, और पीछे के साइड छह। ये छह हो जाएंगे सतह। अब जहाँ पर तीन रेखाएं मिली हैं, तीन भुजाएं मिले हैं, उसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कोण। तो कोणों की संख्या कितना होता है, आठ। चलिए टोटल करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात और क्या, आठ। तो चाहे जिसमें आप काउंट करोगे, चाहे वो घन हो या घनाभ, उसमें आठ ही आएंगे, चार पाँच छ सात और क्या, ये आठ। इसी प्रकार इसमें भी ये देखिए आठ हैं। चलिए ये तो आपका कोण हो गया, कोण कितने होते हैं, आठ। यदि आपसे पूछे कोर कितने होते हैं, तो कोर बारह होते हैं। देखिए जहाँ पर दो रेखाएं मिलती हैं, दो सतह मिलती हैं, मतलब यहाँ पर ए एक कोर, ए दो, चलिए कलर दूसरा, एक कोर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और क्या, बारह। तो कोरों की संख्या कितना है, बारह, ये ध्यान देना। कोर किसे बोलोगे, जहाँ पर ऐसे दो सतह मिल जाए, एक ऊपर से एक, मान चलो एक और, इसे मैं खोल दूँ, इसको क्या बोलेंगे, कोर बोल देंगे। यहीं पर एक सतह और मिल जाए, इसे क्या बोल देंगे, कोण बोल देंगे। तो बात समझ गए होगे, कोण किसे कहेंगे, कोण ए होते हैं आठ। कोई भी घन या घनाभ होगा उसमें आठ होंगे, और जो आपका कोर होता है ये बारह हो गए, इनकी संख्या बारह बारह। और सतह कितना होते हैं, सतह छह होते हैं। पहले तो ये बात को समझ जाओ। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, तो ऐसी त्रिआमी आकृति या वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, ऐसी वस्तु को घन कहते हैं। घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं, लूडो का पासा, लूडो का जो खुड़खुड़ होता है उसे क्या बोल दोगे, घन बोल दोगे। अब इसे देख लेते हैं, ऐसी त्रिविमी आकृति वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो और ऊंचाई चौड़ाई से कम हो, ऐसी आकृति या वस्तु घनाभ कहलाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसी त्रिविमी आकृति जिसकी वस्तु लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों असमान हो, ऐसी आकृति को घनाभ कहेंगे। जैसे माचिस की डिबिया, या ईंट का, ईंट भी देख कह सकते हो, माचिस का डिबिया
भी बोल सकते हो। तो यहाँ तक जो बातें थी ये आप समझ गए। अब चलिए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे मान चलो एक कोई 5 फीट का एक क्षण है, क्या है, क्षण है। अब इसको एक एक फीट पर काटना है, 5 फीट है, एक एक फीट पर काटना है, तो बताइए कितनी बार काटना होगा। तो काटने की जहाँ सवाल है, यदि 5 फीट है इसको बराबर काटना है, मतलब एक एक फीट में, तो एक एक फीट कैसे काटोगे, तो कितनी बार काटना होगा, 4 बार, 1, 2, 3 और 4। देखिए एक हिस्सा ए, 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 तो 4 बार काटेंगे तो 5 हिस्सा हो जाएगा। चलिए अब देखना है कोई घन है, यहाँ से मैं घन लेता हूँ, ये आपका घन है। अब इसको, चलिए यहाँ से रुक जाए, कलर्स, ये 5 सेंटीमीटर है, कितना, 5 सेंटीमीटर। यदि कहा जाए कि इसको एक एक सेमी पर काटा जाए, एक एक सेमी पर काटा जाए, तो ऐसे ही कटेगा, एक बार तो ये ऐसे कटेगा, मतलब इसको 3 साइड से काटना पड़ेगा, एक बार ऐसे, कभी पनीर काटे होगे ना, तो पहले ऊपर ऊपर से मैंने एक बार इसे काट दिया, अब दोबारा इधर से मैं काटा, 1, 2, 3 और क्या 4, ये देखिए 2 बार कट गया, कितनी बार, 2 बार। अभी लेकिन ये क्या घन का आकार का नहीं बना, अब ऊपर भी मैं 5 है, 1, 2, 3, मतलब 5 यहाँ भी होना चाहिए, ये हो गया, तो ये अब घन के आकार का कट गया। अब पूछेंगे घनों की संख्या बता दीजिए, घनों की संख्या बता दीजिए, तो यन का मान पहले तो निकाल लीजिए। यन का मान कैसे निकाला जाएगा, बड़े घन की भुजा 5/1, इनका क्यूब कर दोगे तो ये आ जाएगा 125, कितना आएगा, 125, तो 5 का क्यूब कर दोगे ये आपका आ जाएगा 125, घन की संख्या आया। चलिए एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ही नया पीस, ये आपका घन हो गया। अब इसको 3 बार काटना है, कितना बार, 3 बार, 6 सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर पर काटना है, 6 सेंटीमीटर और 2-2 सेंटीमीटर पर काटना है, तो 2 बार ही काटोगे, और 3 हिस्सा इसका हो जाएगा, ये देखिए। चलिए एक बार तो इसे काट दिए, अब दोबारा कैसे काटोगे, इधर से ए, ए हो गया, अब तिवारा कैसे काटोगे, एक ऊपर एक यहाँ, ये आपका घन कट गया। तो मतलब 3 बार काटना पड़ेगा कोई चीज़ को, एक ऊपर से, एक आगे से, एक साइड से, जब 3 बार काटेंगे तो घनाकार कट जाएगा। अब घनों को काट दिया गया, अब कितना बार काटा गया, तो 6/2, मतलब 3 का क्यूब 27 घन होंगे, कितने घन होंगे, 27 घन होंगे। चलिए एक और देखते हैं इसी प्रकार, अब आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलिए अगला घन, ये गड़बड़ हो गया, चलिए ये आ गया। अब कोई घन है, ये 10 सेमी है, कितना है, 10 सेमी है, ये 10 सेंटीमीटर। अब इसको 2-2 सेंटीमीटर पर काटना है, तो कितने हिस्से, 4 बार काटना होगा, कितनी बार, 4 बार, ये देखिए 4 बार, एक बार हो गया, उसके बाद ऐसे, ये 4-4 भाग में काटना होगा और 3 साइड को काट देना है,
इस संपूर्ण इसकी कटिंग हो जाएगा, संपूर्ण कटिंग हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि घनों की संख्या तो 10/2 का होल क्यों, तो 5 का 125 घन निकलेंगे। कितने घन? 125 घन निकलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ आते हैं। यदि किसी 8 सेमी भुजा वाले घन को 2 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटना होगा तो प्रत्येक सतह के 3 खंड, प्रत्येक सतह के 3 खंड और n बराबर जो होगा 8/2 होंगे, अतः 4 खंडों में विभक्त होगा। ये देखिए, 4 खंडों में 1, 2, 3 और 4 विभक्त होंगे। प्रत्येक सतह के तीन खंड, ये देखिए, प्रत्येक सतह के 3 खंड और खंडों में विभक्त करने के लिए घनों को तीनों ओर से n माइनस 1 बराबर 4-1 बार काटना होगा, मतलब 3 बार काटना पड़ेगा। 2 चौका 8 मतलब 4 भाग करने के लिए 3 बार काटना होगा। यदि किसी घन को बराबर आयतन वाले n छोटे घनों में इस प्रकार विभाजित हो तो घनों की जो संख्या होगा या कोर बराबर क्या होगा, तो 3 जो भी प्रत्येक भुजा तो 3 भागों में विभाजित होगा, 1, 2, 3 और 4। अब 3 खंड में काटना होगा, 3 बार में काटना होगा, ये ध्यान देना है। घनों की संख्या पूछा जाएगा तो इसका n का क्यूब कर लो, 8/2 का होल क्यूब। जैसे क्यूब करोगे तो ये 64 घन प्राप्त होंगे। इस आकृति से कितने घन प्राप्त होंगे? 64। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं, अब माना कोई भी 10 सेमी वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में विभक्त करना है, तो बड़े घनों की भुजा 10/2 = 5, तो कुल छोटे घनों की संख्या कितना होगा? 125 हो जाएगा। अब पूछेंगे कि शीर्ष घनों के, मतलब जो कोर पर घन होते हैं, शीर्ष घन उन्हें बोला जाता है जो कोरों पर होते हैं, कोण पर होते हैं, कहाँ पर? कोण पर। तो कोणों वाले वो 8 ही होंगे। कितने होंगे? 8 होगी उनकी। अब मध्य घनों की संख्या कितना होगा? ये 36 होगा। केंद्रीय घनों की संख्या मतलब बीच में, ये 54 होगा। और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितना होगा? ये 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। चलिए इस बात को समझते हैं, ये इसको कैसे हल करोगे। अब मैं एक आकृति बनाता हूँ, एक आकृति यहां से, ये आपका आकृति हो गया। अब इसको कितने खंड करना है? चलिए, अब इसको 10 सेंटीमीटर में है और 2-2 सेंटीमीटर पर काटना है, 2-2 सेंटीमीटर पर काटना है, तो कितने हिस्से हो जाएंगे इसके? 4। 4 बार काटना होगा, 2, 3 और 4। अब ऐसे नीचे भी आ जाएगा, 1, 2, 3 और 4। देखिए 5 भाग हुआ कि नहीं, कलर चेंज। चलिए 1, 2, 3 और 4। अब इसको मिला दो इसी प्रकार। अभी एक हिस्सा और बाकी है ऊपर से काटने का, तो ऊपर से भी काट देते हैं, 1, 2, 3 और 4। 5 भाग हो गए। अब इसको मिला दोगे इस साइड, ये। अब देखिए जो आपके पूछा गया कि इसमें 8 की संख्या शीर्ष घनों की संख्या ए आएगा, ये आपका क्या आएगा? शीर्ष घनों की संख्या। चलिए ये शीर्ष घनों की संख्या आएगा, यहां से देखिए ए,
एक दो तीन चार पाँच छ सात और क्या आठ, तो आठ शीर्ष घनों की संख्या आएगा। यहाँ से देखिए आठ शीर्ष घनों की संख्या, यही मैं बता रहा हूँ कि आठ शीर्ष घनों की। अब मध्य घनों की संख्या कितना होगा वो भी देखते हैं। मध्य घनों की संख्या, चलिए ये एक दो तीन, यदि यहाँ पर तीन है, अकोर कितने होते हैं बारह, बारतियाँ छत्तीस, मध्य घनों की संख्या छत्तीस हो जाएगा। यहाँ से देखिए मध्य घनों की संख्या, ये फार्मूला वार्मूला रटना नहीं है, सब बकवास है। मध्य घनों की संख्या कितना हो जाएगा छत्तीस। देखिए अब केंद्रीय घनों की संख्या कितना होगा ये देखना है, केंद्रीय घनों की संख्या। तो चलिए देखते हैं केंद्रीय घन कौन से होंगे। चलिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, मतलब एक सतह पर नौ घन आ रहे हैं, ये केंद्रीय हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा मध्य घनों की संख्या, और ये आपका हो जाएगा शीर्ष घनों की संख्या। ये आपका मध्य घनों की संख्या हो जाएगा जो इस साइड में है, अब ये आपका हो जाएगा केंद्रीय घनों की संख्या। तो ऐसे छह सतह हैं, नौ छक चौवन कितना हो जाएगा चौवन हो जाएगा, बारतियाँ छत्तीस चौवन आठ, अभी मैं जोड़कर भी दिखा दूंगा कितने आए। अब ऐसे कुछ घन हैं जो अंदर बच गए, वो कौन से घन हैं पहले तो ये समझ लो। शीर्ष घनों की संख्या आठ और मध्य घनों की संख्या छत्तीस और केंद्रीय घनों की संख्या चौवन, अब इसको जोड़ोगे तो ये अच्छा चार दस और पाँच तीन आठ एक नब्बे अट्ठानबे, अट्ठानबे हो गया, कितना अट्ठानवे। अब टोटल घनों की संख्या कितना था पाँच का क्यूब 125, 125 में अट्ठानवे घटा दो आपका 27 आ जाएगा अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। चलिए प्रूफ करा दें, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या यहाँ से देखिए ये 27 आ गया। बात आप समझे कि नहीं, कैसे निकालना है एक एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ देख लेते हैं, जैसे ही इस घन को मैं देखा इसे हटा देता हूँ। अब इसमें पूछेगा, मैं जितने क्वेश्चन करूँ फटाफट आंसर करना, बस कोई भी फार्मूला रटना नहीं है। यदि आपसे पूछे कुल छोटे घनों की संख्या, तो चार का क्यूब, एक नया पेज लेते हैं, चलिए एक नया पेज लेते हैं, कुल घनों की संख्या तो चार का क्यूब ए चौंसठ आ जाएगा, कितना आ जाएगा चौंसठ आ जाएगा। अब पूछा जाएगा कि शीर्ष घनों की संख्या, तो शीर्ष जो आपके कोण पर होंगे वो आठ होंगे, कितने आठ होंगे। उसके बाद अब पूछा जाए कि मध्य घनों की संख्या, तो मध्य घन कौन होंगे एक दो, यदि एक कोर पर दो हैं तो बारह दूना चौबीस हो जाएगा, कितना हो जाएगा चौबीस, तो ये चौबीस आ गया। अब पूछेगा कि केंद्रीय घनों की संख्या कितना है, केंद्रीय घनों की संख्या एक दो तीन और ये चार, ये एक सतह पर चार सतह कितने हैं छह, छह चौका चौबीस, ये भी कितना आ गया चौबीस, चौबीस दूना अड़तालीस आठ छप्पन, टोटल आ गया छप्पन। अब अंतः केंद्रीय घनों की संख्या यदि पूछे तो ये आठ आएगा, कितना आ जाएगा आठ। ये अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, ये शीर्ष घनों की संख्या, और ये मध्य घनों की संख्या, ये केंद्रीय घनों की संख्या, और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या आठ हो जाएगा। चलिए पुनः इस क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ से हल किए थे, इसमें देखिए 125 घन थे तो ये आंकड़े आए, वहाँ पर 64 घन थे तो वो आंकड़े आए। मैं अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे हल कर लेना, कोई घन है और इसको दो बार काटा गया तो कुल घनों की संख्या बता दो, ये मान चलो 6 सेंटीमीटर है और दो दो सेंटीमीटर पर काटा गया तो कुल घनों की संख्या बता दो, तो कुल घनों की संख्या हो जाएगा दो बट्टा तीन, मतलब तीन का क्यूब, मतलब कितना आ जाएगा 27 ये आ जाएगा। अब ये 27 तो आ गया, अब इसमें आपको बताना है शीर्ष घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या,
एक क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन कोई घन है, अब इसको पांच बार काटा गया, पांच बार काटा गया तो इसमें शीर्ष घनों की संख्या, मध्य घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या और अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। मान चलिए एक एक सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर टोटल, अब इसे काटा गया तो आपको बताना है, ठीक। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो शेयर जरूर करना, एक ही मैं क्लास में समाप्त कर दूंगा इस पूरे घन घनाभ को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप समझ ही गए, यहाँ आते हैं। अब कह रहा है 5 सेमी के ठोस घन से, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 सेमी के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल घनों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल घनों की संख्या कितना हो जाएगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, एक पर टिक भी लगा है, ये सही है कि गलत ये आपको बताना है। तो ये 625 नहीं होगा, 125 होगा। अभी मैं बताया कि 5/1 का होल क्यों यही होगा, तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125, ये ध्यान देना पहले का। निम्न आकृति में कितने घन हैं, ये आकृति दिया गया है, आप थोड़ा सा जोड़कर बता दीजिए कितने आकृति हैं। 8 पर कोई टिक लगा दिया है, तो 8 के अलावा भी होंगे या 8 ही होंगे। देखिए एक सतह पर कितने हैं, 4 ये दिख रहा है, लेकिन घन कितने होंगे ये आपको बताना है। देखो 4 स्तंभों में प्रत्येक में 2 घन हैं, कितने घन हैं, 2, तो 4 × 2 आइए आपका आ जाएगा 8, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए हमें कितनी बार काटना होगा। तो 12 का है, चलिए 4 3 कितना, 3, लेकिन ये आपका आंसर है 3, कितनी बार काटना होगा। तो कुल कटाई आपका 3 तो एक साइड का, और 3 साइड में काटोगे 3 × 9 साइड, कितना आएगा 9 साइड। अरे एक बार ऊपर से, एक बार ऐसे काटोगे, एक बार ऐसे काटोगे, एक बार ऐसे काटोगे, मतलब 9 बार, एक साइड में 3, टोटल हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया जाता है कि उसे इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे, तथा इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष ना बचे, उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपये दिए जाएंगे, और इस प्रकार कुल वह 120 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करता है। बताइए उसने कितने छोटे घन बनाए थे, तो कितने छोटे घन बनाए थे ये आपको बताना है। पहले तो कटाई की संख्या देख लेते हैं, कटाई की संख्या 120 रुपये मिला, और ये 5 रुपये के हिसाब से, तो कटाई की संख्या 24 आ जाएगा। 24 तो ये टोटल कटाई की संख्या होगा, यदि एक साइड का देखा जाएगा तो 3 से भाग दो, 3 से भाग दिए तो 8 आएगा, तो एक और कटाई गई संख्या कितना है, 8 है, कितना है, 8 है। अब पूछा क्या जा रहा है, बताइए कि उसने कितने छोटे घन बनाए होंगे, उसने कितने छोटे घन बनाए होंगे। चलो ये तो 8 बार काटा है, यदि कोई चीज़ को 8 बार काटोगे, मान चलो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या 8, तो हिस्से कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 का क्यूब कर दो, ये 729। यदि विकल्प में हो तो सत्य करो, आज सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो। चलो यहाँ से देखते हैं, ये देखिए 729 है, तो ये आपका परम आंसर होगा। एक घन में सदैव होते हैं 8 कोण 12 और 6, ये सभी होते हैं, मतलब डी वाला विकल्प सत्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया, अब इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया,
तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, ऐसे कितने घन हैं जिनके तीन सतह रंगीन हैं। तो शीर्ष घनों की संख्या पूछ रहे हैं, 8 होंगे। ऐसे कितने घन हैं जिनके दो सतह कोई भी सतह रंगे हुए नहीं है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, अंतः घनों की संख्या, जो अंतः है उसके घनों की संख्या निकालना है। चलिए तो सभी को निकाल कर जैसे यहाँ पर बताया गया था, ये देख लीजिए कहाँ गया भाई, ये देखिए यहाँ पर इसके अलावा जो अंतः घनों की संख्या बताया गया था उसे ही ज्ञात करना है। यहाँ से देख लेते हैं, ये अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, तो ये रंगहीन आएंगे घन, जो भी आएंगे घन ये रंगहीन होंगे। चलिए ऐसे कितने घन हैं, कहो तो मैं आंसर बता दूँ, आप हल करना चाहो तो हल कर लेना। तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपका 8। कितना, ऐसे कितने घन हैं जिनके दो विपरीत सतहों पर लाल रंग रंगे हुए हैं। दो सतहों पर क्या लाल रंग रंगे हैं, तो इसका परम आंसर होगा 0। विपरीत सतह पर नहीं होगा, उसके पास वाले में हो सकते हैं, जो कोर पर होंगे उसके पास वाले पर हो जाएंगे, विपरीत पर कोई भी रंग नहीं आएगा। अरे या तो रंगहीन हो जाएगा या तो उसका एक सतह रंगीन रहेगा, ठीक, ये ध्यान देना है। विपरीत का मतलब, चलो मैं डाइस पढ़ा रहा हूँ तो उसमें बता रहा हूँ, विपरीत का मतलब इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड, मतलब ऊपर का नीचे या राइट का लेफ्ट, अब फ्रंट का बैक हो जाएगा। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हैं, एक क्वेश्चन बता सकते हो, ऐसे कितने हैं जिसके एक सतह रंगीन है, तो ये 24 होगा, ना हो तो मैं बता ही दूं। चलिए अब इसको काटोगे कितनी बार, 64, मतलब तीन बार काटोगे, कितनी बार, तीन बार, तभी तो 4×64 हो जाएगा, ऐसे तीन बार, तो 1, 2, 3, 4, 4×24 कितना आ जाएगा, 24, ये आपका एक सतह रंगीन वाले आ जाएंगे। ऐसे कितने घन हैं जिनके दो निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग तथा शेष सतह बगैर रंग रंगे हुए हैं, तो ये भी 24 ही होगा, ठीक, मतलब इस पर बात किया जा रहा है कोर पर, तो कोर का 12×24 हो जाएगा, एक कोर पर दो, 12×24, इस प्रकार आप हल कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई भी वर्ग है, अब इसको हरा से रंगा गया, पूरा हरा से रंग दिया गया, और इसके जो भाग हैं ये इतने भाग हैं, 5 हिस्से हैं, मतलब 4 बार काटा गया है, तो बता दो कितने सतह पर एक रंग है, तो एक रंग ये मिडिल वाले होंगे, और जिस पर दो सतह होंगे एक कोर वाले होंगे, जिस पर तीन सतह होंगे ये 8 मतलब कोन वाले होंगे, कोर वाले दो सतह, मध्य वाले एक सतह, अंदर रंगहीन आएगा, रंगहीन आएगा, ऐसे समझ लो। मैं इसमें बता दे रहा हूँ कहाँ गया, एक मिनट भाई, यहाँ से, तो इसमें देख लीजिए कुल घनों की संख्या 125, यदि 4 बार काटे हो, जो अभी मैं क्वेश्चन बोला उसी का ये आंसर आ जाएगा। और तीन सतह रंगीन घनों की संख्या 8 आएगा, दो सतह रंगीन घनों की संख्या 36 आएगा, और एक सतह रंगीन घनों की संख्या 54 आ जाएगा, और रंगहीन घनों की संख्या 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ये रीजनिंग का घन और घनाभ का सेशन था, अब पासा समझा जाएगा इसके बाद वाले सेशन में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।